जवानों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जीआरपी द्वारा कराया जा रहा है योगाभ्यास। कोरोना वायरस की इस महामारी में लॉकडाउन का समय जहां 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है, क्योंकि इस महामारी से बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। जब तक हम इस लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इन कोरोना वायरस की लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें साथ होना होगा। वहीं आज वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी प्रभारी के नेतृत्व में जवानों को इस लॉकडाउन में मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास कराया गया। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जवानों के साथ साथ यात्री शेल्टर होम में रुके हुए यात्रियों को भी फिट रहने के लिए योगाभ्यास कराया गया। क्योंकि इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद रेलवे के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी, ऐसे में इन सभी लोगों का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट। और चूँकि फोर्स की ड्यूटी तो समाप्त नहीं है, हम लोगों को तो लगातार कार्य करने ही पड़ रहे हैं। यदि जबकि ट्रेनों का संचालन बंद है, फिर भी देश के विभिन्न हिस्सों के यात्री फंसे हुए हैं, उनको आश्रय स्थल पर रुकवाया गया है, उनकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। इसके अलावा भी जो भी सरकारी उपक्रम है रेलवे के, सब खुले हुए हैं। तो यद्यपि जो है उस तरह के काम नहीं हैं जो डेली रूटीन के पहले होते थे, और इस तरह पहली बार हुआ है, तो फोर्स को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए और जो भी सुरक्षा के उपाय हैं सब करते हुए हम लोग सुबह जो है पीटी और योग का अभ्यास कराते हैं, साथ किया जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से पुलिस बल स्वस्थ रहे। आने वाले समय में जब शुरुआत होगी, लॉकडाउन समाप्त होगा, तो चुनौतियाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी रेलवे के लिए, क्योंकि आवागमन यात्रियों को बढ़ेगा, ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा, उसको देखते हुए इनको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक प्रक्रिया।
सर? अभी रेलवे के लोग भी आते हैं, जो यात्री रुके हुए हैं उनका भी योग कराया जाता है, रेलवे के लोग उसमें भी आते हैं। और डायरेक्टर महोदय द्वारा हैं जो भी सुविधाएं आवश्यक होती हैं हमारे SP रेलवे महोदय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और इस समय में SPGRP इलाहाबाद द्वारा भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि कर्मचारी गणों को भी आप योग और PT की प्रक्रिया को अपनाएं। कैंसिल हो गई अब छुट्टियाँ क्या है? पुलिस इस समय तो अब चिकित्सा सफाई और पुलिस तीन लोगों की चुनौतियाँ जाते हैं, तो छुट्टी तो प्राय पुलिस की कैंसिल होती रहती है। यह तो अपने तरह के एक अलग तरह की चुनौती है जो हम लोग के समय में पहली बार इस तरह की आई है। तो इस समय राष्ट्र महत्वपूर्ण है, छुट्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। दाहिना पैर पकड़कर एक पैर पर रहिए खड़ा जो हो सके, नहीं तो पूरा सटाइए अपने ही पहले।